दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं शुभम वॉइस। दोस्तों मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि सैमसंग ग्रुप 1200 में ब्लैकलिस्ट ऑप्शन है या नहीं। तो दोस्तों ये मैंने काफी ट्राई करा, काफी मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी देखी। तो यूट्यूब वीडियो में आ रहा था कि ऐड टू रिजेक्ट लिस्ट कर दें, ऐड टू ब्लैक लिस्ट कर दें, तो ये ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों मैंने अपने सेट में ट्राई करा, सिम डाल के सब तरह से ट्राई करा, लेकिन मेरे सेट में ऐड टू रिजेक्ट ना तो लिस्ट आ रही थी ना कोई ब्लैक लिस्ट ऑप्शन आ रहा था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें कोई ब्लैक लिस्ट ऑप्शन अभी नहीं है, और अगर आपके फोन में है तो नीचे यस लिखिएगा, अगर नहीं है तो नो लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ऐड हम इसमें ब्लैक लिस्ट कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ फोन को ऑन करके कि इसमें ब्लैक लिस्ट ऑप्शन है या नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, देख सकते हैं। मैंने सेट को एक सेकंड ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं कोई भी कंटेंट लेता हूँ, कॉन्टैक्ट मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ऑप्शन में, तो दोस्तों देख सकते हैं एडिट ऐड सिंबल। दोस्तों कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है कि ऐड टू रिजेक्ट लिस्ट या ऐड टू ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन, देख सकते हैं। और मैं सेटिंग्स में जाके भी आपको दिखा देता हूँ, फोन यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको एप्लीकेशन में कॉल्स में जाके दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं ऑल कॉल्स और वॉइस कॉल। मैं ऑल कॉल्स में दिखा दे रहा हूँ, शो माई नंबर, कॉल स्टेटस, ट्यून्स। दोस्तों देख सकते हैं कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है कि ऐड टू ब्लैक लिस्ट का या हमें ब्लैक लिस्ट का कोई भी ऑप्शन मिल रहा हो। तो दोस्तों मेरे फ़ोन में तो ये है नहीं, क्योंकि मैंने चेक भी कर। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया, लाइव दिखा दिया मैंने, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अगर आपके फ़ोन में है तो आप नीचे मेरे को बताइएगा कमेंट में कि आपके फ़ोन में यहाँ है, नहीं तो मेरे हिसाब से इसमें ऐड टू ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन नहीं है, या शायद अब हटा दिया गया है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।